राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का फैसला जनता सुना चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला 7 तारीख को होगा कि दिल्ली के वोटरों ने किस पार्टी के चुनावी वादों पर अपनी मुहर लगाई है। लेकिन इस बीच एमसीडी चुनाव में जिस वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद थी वो नहीं हुई। वोटर घरों से वोट करने निकले ही नहीं, लिहाजा साल 2012 में जिस एमसीडी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 53.39% रहा, साल 2017 में जिस एमसीडी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 53.55% रहा, वो साल 2022 में घटकर 50.47% पर आ गया। यानी कि 2017 के मुकाबले 2022 में 3% वोटिंग कम हुई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में इस बार के एमसीडी चुनाव में वोटिंग का कम होना, इसके पीछे क्या कारण रहे और आखिर कम वोटिंग होने के क्या मायने हैं? किस पार्टी को नुकसान होगा, किसे होगा फायदा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वोटिंग कम होने के पीछे क्या कारण रहे। वोटिंग कम होने के पीछे दिल्ली में जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है वोटिंग लिस्ट में खेल होना। जी हाँ, कई सारी जगहों पर वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब रहे, जिसकी एक बड़ी वजह परिसीमन को माना गया, जिस वजह से वोटरों को कई बूथों के चक्कर लगाने पड़े। आलम यह रहा कि लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने हजारों वोटरों के आखिरी समय में वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत तक दर्ज कराई। दिल्ली में कम वोटिंग होने का कारण सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में इस वक्त शादियों का भी सीजन चल रहा है। इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में जबरदस्त साया है, इसे भी कम वोटिंग का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिस वजह से लोगों ने आम तौर पर वीकेंड वाले दिन को वोटिंग की बजाय शॉपिंग के लिए चुना। कई ऐसे भी लोग रहे जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे शहरों में थे। मोटे तौर पर दिल्ली में वोटिंग कम होने के पीछे इन्हीं कारणों को वजह माना जा रहा है। अब वोटिंग का कम होना किस पार्टी के लिए खतरा माना जा रहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। बात अगर 15 सालों से निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी की जाए तो बीजेपी के कोर वोटरों में निगम के कामकाज को लेकर नाराजगी साफ जाहिर हुई। पौश इलाकों में भी काफी कम वोटिंग होने की शिकायत आई और आम तौर पर पौश इलाके बीजेपी माइंडेड माने जाते हैं। तो वहीं बात की जाए बीते 8 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के 8 साल के शासन को लेकर भी लोग उत्साहित नहीं दिखे। कई सारे इलाकों में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और कार्यकर्ता टिकट बंटवारे से खुश नहीं थे। कई सीटों पर तो बगावत तक हो गई। कई सीटों पर पार्टी के नाराज कार्यकर्ता वोटरों के बीच चुनाव प्रचार में गए ही नहीं। मुस्लिम वोटरों में कई धार्मिक मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी से नाराजगी दिखी और यही वजह रही कि कई मुस्लिम बहुल सीटों के वार्ड खाली दिखे, आमतौर पर जहां चुनावों में वोटिंग काफी ज्यादा होती है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये चुनाव अपने उखड़ चुके पैर जमाने के लिए लड़ रही थी। ऐसे में दिल्ली में कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस को वोटरों ने सत्ता के विकल्प के तौर पर नहीं देखा। हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई जरूर लड़ी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। तो कुल मिलाकर कम वोटिंग होने से जितना नुकसान बीजेपी को हो रहा है, उतना ही नुकसान आम आदमी पार्टी को भी हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने काडर को बूथ तक पहुंचाने में नाकाम रहे, नाराज कार्यकर्ताओं और वोटरों को मनाने में नाकाम रहे, एक दूसरे के नाराज वोटरों को अपने पाले में खींचने में नाकाम रहे। ऐसे में देखना यही होगा कि कम वोटिंग के बावजूद दिल्ली की एमसीडी का ताज किसके सर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।